सो गाइज वेरी लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माई चैनल। तो एक टूर करता हूँ आज बहुत दिनों बाद। मैं आपको दिखाता हूँ जिस प्लांट को आप बहुत महंगा समझते हो वो प्लांट यहाँ रद्दी के भाव रहता है। लाइक दिस, ये देखिए पॉन्सेटिया कितना महंगा आता है। ये देखिए मतलब हर किसका अगर इसमें रोग लग गया तो प्लांट समझो गया, कितनी हालत ख़राब हो चुकी है देख लो। और इसको नर्सरी वाले इस तरीक़े से फेंक देते हैं। चलो इस पॉली हाउस का टूर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। नर्सरी का नाम बबलू नर्सरी। यहाँ इतनी शांति है कि मैं माइक भी नहीं लगा रहा हूँ। तो ये प्लांट जिसका नाम मैं भूल गया हूँ काफ़ी दिनों से वीडियो न डालने के कारण, बट प्लांट अच्छे हैं, 8 इंच पॉट में है और बहुत बड़ा कलेक्शन है। अनदर वन इज़ बर्ड ऑफ पैराडाइज। इसको सॉइल मिक्स मेन मैटर करता है, जो कि सॉइल मिक्स काफ़ी डिफरेंट होता है। आपको भी ट्राई करना चाहिए जब आप घर पर लगाओ। बाकी आप प्लांट बताओ, पूरा कलेक्शन बर्ड ऑफ पैराडाइज का ही है। देखो एक में प्लांट इन्होंने तीन लगाए हैं, जिसका साइज बढ़ के काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये हाइट आने के बाद 4-5 सेंटीमीटर तक जाता है, मतलब अभी बढ़ेगा तभी 2-3 गुना जाएगा इसका हाइट तब। इस तरीके से प्रोसेस करके बनाया जाता है गाइस। ये देखो नर्सरी का पूरा आइडिया है, इतना बड़ा पैराडाइज हो गया। ये यहाँ प्रोसेसिंग में है, छोटे छोटे भी उगाए हैं। और उधर मोनेस्टर है, मेरे को दिख रहा है बड़े साइज़ का, और उधर मोनेस्टर दिख रहा है बड़े साइज़ का। इधर पाम है जो कि पॉट में लगा है, अच्छे वाले पॉट में। उधर देखते हैं थोड़ा मोनेस्टर दिखाता हूँ, गजब है। अभी ये बड़ा पैराडाइज है जो कि बड़े साइज में है। इसमें 3 प्लांट लगे हैं और बेस्ट क्वालिटी में है, क्योंकि इसमें 3 प्लांट लगे तो बुसी हो गया और 2.5 से 3 फुट तक इसकी हाइट होगी। अब हम आते हैं पीस लिली, थोड़ा देखते हैं। गाइस मैं बोलूँ सच में, पीस लिली इतना क्यूट लग रहा था जस्ट बिकॉज कि इसमें फ्लावर लग चुके थे ना, बडिंग में नहीं था, फ्लावर लगा था। और प्लांट की ग्रोथ आपको पता ही होगा, पीस लिली में अगर फूल आते हैं तो ग्रोथ नहीं होता, लेकिन इस वाले में ग्रोथ भी था, 3-4 प्लांट लगे थे और फ्लावर भी लगे थे, सो बहुत पसंद आ रहा था लोगों को, बहुत ज़्यादा ये सेलिंग में था। आई होप कि ये अभी ख़त्म हो, लेकिन इस नर्सरी में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। ओके हाँ, उसके बाद ये पॉन्सेटिया। एज यू नो पुणे में पॉन्सेटिया सबसे बेस्ट क्वालिटी में तैयार होता है। ओके इसके लिए अभी सीजन, जैसे विंटर सीजन आ रहा है तो उसमें पॉन्सेटिया आपको हर वैरायटी का दिखेगा। बस हमारे वीडियो कंटिन्यू करना, मैं आपको कंटिन्यू दिखाता रहूँगा कलेक्शन। और इस नर्सरी में भी मुझे कुछ अलग लगा, थोड़ा सा यूनिक भी लगा, पीले कलर का। इसमें छोटे फूल दिखेंगे, वो फूल नहीं होते, ये बाद में पत्ते बनते हैं, लेकिन पहले फूल नुमा आते हैं जो इसको क्यूट बनाता है। ओके उसमें वाइट रेड वाइट पिंक, मतलब अभी तो पॉन्सेटिया का बहुत ज़्यादा कलर आ गए हैं। और ये पीला जो कि यूनिक होता है यू कैन से, क्योंकि ये पीला आपको हर जगह नहीं मिलेगा और इवन यहाँ तक, यहाँ भी ज़्यादा मांग नहीं है कुछ पौधे। ये वाइट पीला मैं बोलता हूँ इसको, मतलब, लेकिन ये पीला आपको, मैं आपको श्योर बोल सकता हूँ ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा रेयर आप बोल सकते हो। मैं एज यूजल जो प्लांट होते हैं, लेकिन इन्होंने छोटे पॉट में ट्राई किया है, ग्रोथ तो ठीक ठाक यू कैन से। 4 इंच पॉट में अभी इसको पोटिंग किया गया है, अभी रेडी ही है, लेकिन बाकी ये हमारा पॉली हाउस का काम ख़त्म है। पॉली हाउस पौधा मिल गया। अगर आपको हैंगिंग प्लांट्स को लगता है, मतलब जो कि हैंगिंग एक्चुअल में ना लगे, प्लांट टाइप के लगे लेकिन हैंग हो जाए, मतलब थोड़ा सा वो नीचे फॉल हो जाए, तो ये प्लांट आप ट्राई कर सकते हो। नाम मुझे नहीं पता, जब से मैं नर्सरी से दूर रह रहा हूँ तब से नाम भी भूल गया हूँ। इस गाइस मुझे एडेनियम दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडेनियम बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, सॉरी सीजन इसके डाउन है, बट कुछ में फ्लावर आ चुके हैं, वो भी डबल ट्रिपल फ्लावर आ चुके हैं। ये क्यूट लगता है, 2-3 कलर है दिख रहा है। ये लाल कलर वाइट कलर था एडेड में, पिंकिस एकदम ड्राई मिट्टी है, अभी ये फ्रेश है। लेकिन इसमें जो इसके जो ये होता है ना कोडेक्स, ये इसको क्यूट बनाता है। इसका नाम पता है एडेनियम इसको, और इसका साइंटिफिक नेम मुझे नहीं पता, थोड़ा डेप्थ में।
एक्चुअली में ये है बोगन मेले का प्लांट, इसकी साइज देखो गजब। उसमें वो पॉली हाउस में अब प्लांट्स तैयार होते हैं, जूम करके दिखाओ, ये देखो अभी पंसटियाँ तैयार हो रहे हैं।